गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैम रेडी फॉर ओरल टेस्ट ऑफ लेसन 9? ऑल आर रेडी? यस मैम। ओके, डोंट साउंड संगे वाला नहीं जागृति पांडे, जागृति अनम्यूट योरसेल्फ जागृति। हाँ बेटा, जागृति अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। मैम हो गया। ओके, चलिए बताइए सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के जगह पर जिस शब्द संज्ञा के जगह पर जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं, उसे ही सर्वनाम कहते हैं। वंस अगेन रिपीट योर डेफिनेशन। संज्ञा के, हाँ, संज्ञा के जगह पर जिस शब्द का प्रयोग है उसे ही सर्वनाम कहते हैं। चलिए, जैसे में सर्वनाम कौन कौन से हो सकते हैं बताइए। मैं, तुम, तुम्हारा, हम, हमारे। हाँ बोलिए, बोलते रहिए। मैम इतना ही याद है, मैम इतना ही कल लिखवाई थी ना। चलिए मैं एक सेंटेंस दे रही हूँ, आप उसमें सर्वनाम चेंज करके हमको बताइए। और किसी का हेल्प नहीं लेना है बेटा, किसी का हेल्प नहीं लेना है, अपना बस दिमाग लगाना है। चलिए, अभिनव अभिनव के माता पिता के साथ बाजार गया, इसमें सर्वनाम जो संज्ञा दिया गया है उसको बदल करके सर्वनाम आप प्रयोग करिए। जागृति आप म्यूट कैसे हो गई, अनम्यूट करिए जागृति। मैम हो गया। हाँ बताइए बेटा, मैंने बोला था ना कि कोई अगर स्टोरी है कहीं भी है और एक ही नाम बार बार प्रयोग किया जाता है तो वो पढ़ने में भी अटपटा लगता है, सुनने में भी अटपटा लगता है, इसलिए नामों के स्थान पर का प्रयोग किया जाता है। तो आप बताइए यहाँ पर नामों को हटा, नाम को हटा करके सर्वनाम का क्या, या इसको रहने दीजिएगा, ये रहेगा लेकिन बाकी जो नाम है उसके जगह पे क्या लगेगा? अविनाश के, अविनाश नहीं है बेटा, अभिनव, 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 अभिनव नहीं, अभिनव, 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 हाँ, अभिनव पिता के साथ बाजार गया। आप बताइए यहाँ पे क्या परिवर्तन हो जाएगा? अभिनव अभिनव के माता पिता के साथ बाजार, अभिनव अपने माता पिता के साथ बाजार गया। वेरी गुड, वेरी गुड। के पिता किसी का हेल्प ली हो क्या बेटा? नो मैम। सही सही बताओ। यस मैम, नहीं लिया है। ओके, वेरी गुड, आप सही एकदम कैच किए हो बेटा, वेरी गुड। ओके, म्यूट योरसेल्फ आकृति, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा आकृति। यस मैम। बताइए सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन शब्द को हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो कुछ याद आया वो बता दो, जो जो सर्वनाम होता है ना वो बता दो। मैं, तुम, आपका, आपके, इसे, इन्हें, तुमने, तेरा, तेरी। गुड।
उनका उनके। अच्छा बताइए, अब बताइए मुझे, आकृति कक्षा, आकृति एक अच्छी लड़की है, आकृति कक्षा थ्री में पढ़ती है, आकृति को पढ़ना अच्छा लगता है। आकृति? यस मैम। पढ़ो पहले, क्या 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 मैंने लिखा है, पढ़ो आकृति, पढ़ती जाओ पहले। आकृति एक अच्छी लड़की है, आकृति कक्षा तीन में पढ़ती है, आकृति को पढ़ना अच्छा लगता है। हाँ, अब यहाँ सर्वनाम बदलिए, जहाँ संज्ञा है उसको सर्वनाम में परिवर्तन करिए। आकृति एक अच्छी लड़की है, वह कक्षा तीन में पढ़ती है, उसको पढ़ना अच्छा लगता है। आवाज नहीं आ रही बेटा, आकृति? यस मैम। आकृति एक अच्छी लड़की है, वह कक्षा थ्री में पढ़ती है, उसको पढ़ना अच्छा लगता है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। नो मैम, नो मैम। मैम आवाज नहीं आ रही है। आप जा रही है? यस मैम। ओके आकृति, आपने किसी का हेल्प लिया है बेटा? नो मैम। ओके वेरी गुड, अब मुझे अच्छा लगा कि आप लोग मेरे पढ़ाए हुए को कैच किए हो, मुझे बहुत अच्छा लगा बेटा, थैंक यू। शिवांगी गुप्ता, शिवांगी अनम्यूट योरसेल्फ। शिवांगी हाँ बताइए, सर्वनाम किसे कहते हैं? इन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के साथ करके जाते होने सर्वनाम कहते हैं। कौन कौन से हैं सर्वनाम बताइए जरा, सर्वनाम कुछ कुछ हमको बता दीजिए, कुछ या कुछ शब्द बता दीजिए जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। मेरा, मुझे, तुम, आप, ओके ओके वेरी गुड। चलिए मैं कुछ सेंटेंस दे रही हूँ और आपको उसको चेंज करना है। शिवांगी, शिवांगी के भाई से बोली कि शिवांगी शिवांगी की मम्मी के साथ बाजार जाऊंगी।
शिवांगी बेटा देखिए मैं आप न, एक यहाँ पर दो तीन सेंटेंस दी हूँ, आप पढ़िए उसके बाद सर्वनाम में बदलिए। लिखी हूँ मैं, शिवांगी शिवांगी के भाई से बोली कि शिवांगी शिवांगी की मम्मी के साथ बाजार जाऊंगी। नो, केयरफुली चेंज करो बेटा, पहले ही आप इसी को चेंज कर दोगी। नो no. पहला नाउन वैसे ही रहेगा, बाद में आप उस नाउन की जगह पे प्रोनाउन करोगे। आप कर सकती हो बेटा, कोशिश करो। नहीं आ रहा शिवांगी, जस्ट वेट। अंकिता अंकिता अनम्यूट योर सेल्फ। अंकिता मैम, हाँ सर्वनाम किसे कहते हैं? अंकिता आपकी आवाज, मैम आपकी आवाज आ रही है? मेरी आवाज नहीं आ रही है, अब आ रही है? यस मैम, अब आ रही है ना? यस मैम। चलिए बताइए सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन शब्दों को शब्दों का प्रयोग जिसे कहते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। बताइए इस इसको परिवर्तन परिवर्तित करिए। मैं मेरा तुम्हारी जैसे अपना। मैंने बोला कि खाली था तो मैं ले ली, आप कैसे हो तो किसी और देखिए, उधर भी खाली होगा। हाँ बेटा बोलो। संज्ञा को सर्वनाम में परिवर्तित करना है। अंकिता कोशिश करो बेटा, मेरी आवाज सुन पा रही हो अंकिता? अंकिता युवराज अनम्यूट योर सेल्फ। यस मैम। हाँ बताइए सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। आप इसको चेंज कर सकते हो, कोशिश करो। शिवांगी अपने। गुड गुड, बोलो सही बोल रहे हो आप। वांगी अपने भाई से बोली, वेरी गुड, मैं हाँ कि मम्मी के। फिर से बोलो बेटा, नहीं कहीं छूट रहे हो क्या? फिर से बोलो, रिस्टार्ट। आप सही बोल रहे हो, एकदम सही बोलो, कॉन्फिडेंटली बोलो। वांगी अपने के भाई से बोली कि मैं बाजार मैं उसके बाद से इसकी जगह पे क्या होगा? यहाँ तो मैं बोल दी, यहाँ पर क्या होगा? कोशिश करो बेटा, आप एकदम सही पकड़ रहे हो, थोड़ी सी बस यहाँ एक यहाँ बोल दोगे बाकी आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। Keep it up. किसी का हेल्प ले रहे हो युवराज? नो मैम। ओके ओके, कोशिश करो कोशिश करो, बहुत अच्छा। अच्छा
ओके जस्ट वेट जस्ट वेट, बाकी बच्चों से पूछ लो उसके बाद से बताऊंगी। अदम्य अनम्यूट योर सेल्फ। अदम्य अदम्य अनम्यूट योर सेल्फ। यस मैम। सर्वनाम की परिभाषा बताओ। यस मैम। सर्वनाम की परिभाषा बताओ अदम्य। सभी नाम के जगह पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ओके वेरी गुड। चलिए इसको परिवर्तित करिए, चेंज करिए सर्वनाम में। शिवांगी अपने भाई से बोली कि मैं मम्मी के साथ बाजार जाऊंगी। और यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे नहीं कुछ पतली हो, किसकी मम्मी, किसकी मम्मी? हाँ बोलो बोलो। शिवांगी हाँ ने भाई, शिवांगी ने भाई से बोल no? शिवांगी ने अपने भाई से बोला कि नहीं, सोच के फिर से बोलो। शुरू में आपने सही बोला था, फिर सोचो और बोलो। किसी का हेल्प नहीं लेना है, आप बोलिए। आप सही बोल रहे हो, आप बोलो पहले। डोंट लुक हियर एंड देयर, आपको कहीं देखना नहीं है, अपना अपना देखो और बोलो। शिवांगी ने अपने भाई से बोला। बाकी शब्दों को ना आप थोड़ी, बाकी शब्दों को नहीं सुना है बेटा। आप पहले वाला सही बोल रही थी, फिर से कोशिश करिए। आप क्या बोली थी? शिवांगी अपने भाई हाँ गुड से बोली हाँ कि मैं मम्मी के साथ बाजार जा रही हूँ। मम्मी किसकी मम्मी? मैं मम्मी के साथ मींस मैं किसकी मम्मी के साथ? मैं अपनी मम्मी के साथ बाजार जा रही हूँ। मैं अपनी मम्मी के साथ बाजार जाऊंगी। फिर से बोलो एक बार और, एक बार और बोलो क्या बोल रही थी। शिवांगी शिवांगी ने अपने भाई से बोल शिवांगी हाँ? ने भाई से शिवांगी ने भाई से बोली कि मैं अपनी मम्मी के साथ नो 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 कंफ्यूज हो जा रही हो। शिवांगी अपने भाई से शिवानी भाई से बोली कि मैं अपनी के साथ बाजार जा रही हूँ, बाजार जाऊंगी। ओके गुड, कोशिश की हो, वेरी गुड। युवराज अनम्यूट योरसेल्फ। युवराज यस मैम। बेटा आप बहुत सही बताए हो, बस यहाँ पे आपने मिस्टेक किया है। किसकी मम्मी? अपनी मम्मी ना, अपनी मम्मी ना, यानी अपनी मम्मी के साथ बाजार, यानी शिवांगी अपने भाई से बोली। शिवांगी अपने, देखिए यहाँ पर हो जाएगा अपने, शिवांगी अपने भाई से बोली कि मैं अपनी मम्मी के साथ बाजार जाऊंगी। समझ में आया? समझ में आया? आप कर लोगे, आप लोग चेंज कर लोगे? चेंज हो जाएगा? यस मैम। ओके मैं फिर दे रही हूँ। सोनी सोनी की सोनी सोनी की बहन से झगड़ा। मैम सो
अपनी बहन से झगड़ा कर बेटा बेटा नो 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 मैं जिससे पूछूंगी वही बोलेगा। अभी श्रेया सिंह बोलेंगी, अनम्यूट और सेल्फ श्रेया। यस मैम। नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए श्रेया सिंह पहले सर्वनाम की परिभाषा बताइए, इसके बाद से आप इसको चेंज करिएगा। संज्ञा की जगह पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम नहीं बेटा, सर्वनाम। क्या? सर्वनाम। हाँ फिर से बताइए, फिर से बताइए, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के जगह पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ओके वेरी गुड। चलिए इसको पढ़िए और चेंज करिए। सोनी अपनी बहन से झगड़ा कर रही थी और उसको चिढ़ा रही थी। हाँ और सोनी अपनी बहन से झगड़ा कर रही थी और उसको चिढ़ा रही थी। वेरी गुड वेरी गुड। हरिओम पांडे, हरिओम पांडे अनम्यूट योर सेल्फ। हरिओम। यस मैम। मैम आवाज नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब जा रही है बेटा। हरिओम। यस मैम। चलिए बताइए सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के जगह पर प्रयोग करने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। चलिए पढ़िए इसको और चेंज करिए। साक्षी ने अपने माँ से कहा कि मैम ये क्या लिखी है? साक्षी ने अपने माँ से कहा कि मैंने खाना खा लिया है। ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हेल्प लिए हो किसी का? नो मैम। चलिए कम से कम समझ में तो आया, बता तो रहे हो। ओके अनन्या तिवारी, अनन्या अनम्यूट योरसेल्फ। अनन्या अनन्या कैन यू हियर माय वॉइस? अनन्या मेरी आवाज? यस मैम। यस मैम। ओके सर्वनाम की परिभाषा बताओ। मैम संज्ञा के स्थान प्रयोग किए जाने जाते हैं उन्हें सर्वनाम। बोलो अनन्या आराम से, बोलो हड़बड़ी बिल्कुल नहीं है, आराम से बोलिए। जो भी बोल रहे हैं आप कम से कम केयर करिए कि आप क्या बोल रहे हैं।
आप पहले रिकॉल करो कल मैंने क्या पढ़ाया था, पहले दिमाग में से निकालो कि आप मैंने क्या पढ़ाया था। अगर दिमाग में कुछ भी तो गुस्सा होगा, मेरी बताई हुई चीजें कुछ तो गुस्सी होंगी। रिकॉल करिए पहले। मैम, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करने किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। क्या किए जाते हैं? पेरेंट्स प्लीज डोंट हेल्प हर। पेरेंट्स प्लीज डोंट हेल्प हर। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग, कोई हेल्प ना करे। कौन हेल्प कर रहा है? प्लीज कोई हेल्प ना करे। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। वंस अगेन रिपीट योर डेफिनेशन, फिर से रिपीट करिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करने किए जाते हैं सर्वनाम कहते। क्या किए जाते हैं अनन्या, फिर से बताइए। प्रयोग, फिर से बताओ क्या प्रयोग किए जाते हैं, क्या प्रयोग किए जाते हैं, आप क्या बोल रही हो, फिर से बोलो। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। एक ही में खिचड़ी पका रही हो अन्य। ओके, चलिए चेंज करिए, मैं अभी बोल लिख रही हूँ उसको चेंज करिए। ओके मैम। चलिए अनन्या। यस मैम। हाँ चलिए पढ़िए और इसको चेंज करिए। आर्या की माँ ने आर्या को गुड़िया दी और आर्या की माँ आर्या को गुड़िया देकर चली गई। आर्या की माँ ने आर्या को गुड़िया दी और इसको चेंज करिए, मैं तो रीडिंग कर दी, आप इसको चेंज करिए। मैम आई बेट, जस्ट वेट अनन्या। श्रेयांश यादव, श्रेयांश, श्रेयांश अनम्यूट योरसेल्फ। श्रेयांश, श्रेयांश यादव, कैन यू हियर माय वॉइस? अनम्यूट योरसेल्फ। श्रेयांश, अनम्यूट योरसेल्फ। मेरी आवाज सुन पा रहे हो श्रेयांश? सर्वनाम की परिभाषा बताइए मुझे। गुड मॉर्निंग, आपकी आवाज नहीं आ रही है श्रेयांश। श्रेयांश टेल मी फास्ट, सर्वनाम की परिभाषा मुझे बताइए।
संज्ञा के शौर्य पांडे, शौर्य अनम्यूट योरसेल्फ। शौर्य यस मैम। हाँ शौर्य बताइए, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के जगह पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। वेरी गुड। चलिए बताइए, यहाँ पे चेंज करिए तो संज्ञा को सर्वनाम में परिवर्तन करिए। आर्य की, आर्य नहीं बेटा, आर्य। आर्य की माँ ने उसको उसको एक गुड़िया दी और उसको शौर्य आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा। आर्य की माँ, आर्य, आर्य नहीं आर्य। माँ ने उसको गुड़िया दिया और चली गई। रिपीट करिए बेटा, आपकी आवाज कट रही थी। आर्य की माँ ने उसको एक गुड़िया दी और आर्य की माँ नो। आर्य की माँ ने प्रशस्ति यादव प्रशस्ति, कैन यू हियर माय वॉइस? टर्न ऑन योर कैमरा, टर्न ऑन योर कैमरा। जिस किसी ने अपना कैमरा ऑफ किया है, स्टॉप किया है, उसको ऑन कर लीजिए। नेम ना अनाउंस करना पड़े। yes. ओके, चलिए मैं अब टाइम ओवर हो रहा है, मैं सेंटेंस को बता दे रही हूँ, ठीक है? और कल फिर मैं पूछूंगी। yes, तब तक आप घर पे इसको प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए देखिए, मैम आवाज नहीं आ रही है। नो मैम। नो मैम, बिल्कुल नहीं जा रही है। मैम अब आई है। अब आ रही है? यस मैम। ओके, फिर से देख लेते हैं। आर्या की माँ, आर्या की माँ ने उसको गुड़िया दी, आर्या की माँ ने उसको गुड़िया दी और उसकी माँ उसे गुड़िया देकर चली गई। आज समझ में? मेरी आवाज सुन पा रहे हो बेटा? यस मैम। ओके, टाइम इज ओवर नाउ। कल आप लोग उसको प्रैक्टिस करिएगा, कल मैं फिर टेस्ट लूंगी, ठीक है? यस मैम। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बेटा। बाय मैम। बाय। किसी को कुछ पूछना है स्टूडेंट्स? अनम्यूट कर लो आप लोग। किसी को यस मैम। क्या पूछना है बेटा? पूछ सकते हैं।
मैं अंकिता बोल रही हूँ। मैम मुझसे पूछिए मैम।